को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए। अब दही का गुण क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है दही में, क्योंकि जो वस्तु में भी चिकनाई आ गई, चिकनाई समझते हैं आप फैट, दही में भरपूर चिकनाई है, दूध से ज्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज्यादा चिकनाई मक्खन में है, और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में। तो भागवती जी कहते हैं कि जिस वस्तु में भी चिकनाई है वो अग्नि को और भड़काएगी। आप जो है ना घी डालते हैं यज्ञ में, तो अग्नि भड़कती है कि नहीं? ऐसे ही पेट में घी खाएंगे, दही खाएंगे, दूध पिएंगे, तो अग्नि और प्रदीप्त होती है, माने खाने को और जल्दी से पचाएगी। खाली पानी अग्नि को शांत करता है, लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अग्नि को प्रदीप्त करेगा, क्योंकि उसके गुण वस्तु के हिसाब से हो जाते हैं। जी राजीव भाई, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग कॉफी या चाय पी के और उसका ये सवा सत्यानाश, रीजन बताऊंगा परसों, क्योंकि ये परसों आने वाला है। देखिए मैं बताता हूं आपको, अभी बता दूं, कोशिश करूंगा शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि और प्रश्न के लिए उत्तर के लिए समय है। कभी भी कोई गर्म चीज आप जैसे ही खाते हैं, कोई भी गर्म चीज, चाय पिया या कॉफी पिया या गर्म दूध पिया या गर्म खाना खाया, तो पेट फिर वही काम पे लग जाता है। क्या काम है पेट का? पहले ज्यादा गर्म वस्तु को पेट के तापमान पर लाता है पेट। आपका पेट का तापमान वही है जो मुंह का है, और बगल का तापमान मुंह का तापमान में थोड़ा अंतर रहता है, लगभग 1 से 1.5 डिग्री। तो पेट का तापमान लगभग 39 से 40 डिग्री के आसपास है। अब आपने 40 डिग्री से ऊपर की कोई वस्तु खाई, जैसे चाय पी, तो वो 40 से ऊपर की ही है, कॉफी 40 से ऊपर की है, तो तापमान अंदर जो है ना 55 डिग्री 60 डिग्री अगर चाय का है, तो पेट उसको पहले 40 डिग्री पर लाएगा, और उसके लिए एंटी रिएक्शन होता है, पानी को ठंडे से गर्म करेगा फिर गर्म से ठंडा। तो ये काम में जब तक पेट लगा हुआ है तब तक आपने कोई ठंडी चीज खा ली, जैसे उन्होंने कहा आइसक्रीम खा ली, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा ली। अब कंफ्यूजन वहां ये होता है कि क्या करें, वो पहले गर्म कॉफी को ठंडा करे या ये जो गर्म ठंडी आइसक्रीम आई इसको गर्म करे, तो फिर तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ऐसा कंफ्यूजन जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी, इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, गाड़ी चला रहे हैं और हर एक ही मिनट में आपको 2-3 गियर चेंज करने पड़े, एक ही मिनट में टॉप गियर से फर्स्ट में आना पड़े, फर्स्ट से आपको टॉप गियर में जाना पड़े, तो कैसे चलेगी गाड़ी? झटका देगी, तकलीफ देगी। ऐसे ही पेट में है कि पेट का एक गियर पड़ा हुआ है, वो गर्म कॉफी को ठंडा करने में लगा हुआ है, तब तक आपने आइसक्रीम खा के अब पेट को गियर चेंज करना पड़ेगा तुरंत, तो इसमें हो जाएगी समस्या। इसलिए कॉफी चाय के बाद ठंडी आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, और ठंडी आइसक्रीम के बाद चाय कॉफी कभी भी ना पिए, गर्म भोजन के साथ कभी भी आइसक्रीम और बर्फ आदि ना खाएं, और बर्फ आदि के साथ गर्म भोजन ना करें। आप जी, आपने पानी पीने का तरीका बताया कि सिप बाय सिप लेना, क्या उसका भी कोई तरीका है कि खड़े खड़े पानी पीना या बैठे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं कल बात करूं क्योंकि कल वो सूत्र आने ही वाला है। जी देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दूध को बागवट जी ने बोला है शाम को ही पीना है। अब इनका प्रश्न यह है कि हम सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो दूध उसमें होता ही है, तो क्या करें? बागवट जी के किसी भी शब्दकोश में चाय भी नहीं है, कॉफी भी नहीं है, क्योंकि बागवट जी 3500 साल पहले हुए। ये चाय कॉफी तो 250-300 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा 400 साल पुरानी। तो चाय कॉफी के बारे में उनका पूरा शास्त्र मौन है, माने कहीं एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जहां चाय और कॉफी का जिक्र आता है। हाँ, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया, काढ़ा आप समझते हैं जो रोज आप यहां पी रहे, काढ़े का जिक्र उन्होंने किया है। वो ये कहते हैं कि जो काढ़ा आपके वात को कम करे, आपके पित्त को कम करे और कफ को कम करे, ऐसा कोई भी काढ़ा दूध के साथ मिलाकर सुबह पिया जा सकता है, कोई भी काढ़ा। जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है।
तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में बागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पियेंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है जी। नहीं, गरम गरम गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। तो ये काढ़ा औषधि है। सुबह के अगर समय नवंबर दिसंबर जनवरी, ये तीन महीने हैं जो वात के महीने माने जाते हैं, फिर गर्मियों के महीने पित्त के महीने आ जाते हैं, फिर बारिश के महीने और उसके आगे थोड़ा महीना कफ का महीना आ जाता है। तो ये वात पित्त कफ के महीने भी होते हैं, जैसे शरीर है वैसे महीने। तो इस महीने के हिसाब से सुबह काढ़ा पी सकते हैं, वात को दूर करने वाली औषधियों का दूध मिलाकर। और गर्म काढ़ा सभी गर्म है, ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। तो आप सुबह दूध पीना ही चाहते हैं तो काढ़े के रूप में पीजिए। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए। तो दो फायदे होंगे भविष्य के लिए, आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी भविष्य के लिए, और अब तक आपने जो कचरा खा लिया है इसके निकल जाने की गारंटी। क्योंकि ये जो अर्जुन की छाल का पाउडर है रक्त को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है, और कचरा रक्त में ही सबसे ज्यादा जमा होता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, वो कचरा ही है। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपये किलो मिलती है। क्या भाव है? 40 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो अर्जुन की छाल मिलती है, और 150 रुपये किलो चाय मिलती है, और 1400 रुपये किलो कॉफी मिलती है, और 20 रुपये किलो अर्जुन की छाल मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 20 रुपये किलो की अर्जुन की छाल नियमित रूप से आप पीजिए। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं कि आप सब अपने घर में तीन महीने, ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी तो दिसंबर पूरा तो निकल गया लेकिन जनवरी अभी बाकी है, तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर दिसंबर जनवरी, तो ये तीन महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है, और अगले सालों की गारंटी हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? एक गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टी स्पून, और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो एक गुड़ जैसी चीज आती है काकवी, काकवी आप समझते हैं। गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, वो तरल गुड़ होता है, तरल गुड़, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। तो या तो काकवी या तो गुड़, नहीं मिले तो खांड, खांड आप समझते हैं, और कुछ भी नहीं मिले तो बूरा, शक्कर नहीं, क्योंकि बागवट्टी जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर बनती नहीं थी। 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है जी। जी मिश्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता था। मिश्री, मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। तो मिश्री मिले शुद्ध तो वो डालिए आपके अर्जुन की छाल और दूध के काढ़े में, नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ का नहीं, चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है। सौंठ है तो बहुत अच्छा है। सौंठ जो है अर्जुन छाल सौंठ अगर मिला के उपयोग करें तो सर्वोत्तम वातनाशक काढ़ा होता है, सर्वोत्तम। अर्जुन छाल और सौंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का। तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको,
और वात के रोग क्या क्या है आप जानते हैं, कल और परसों में और विस्तार से बताने वाला हूं, और किताबों में तो पूरी लिस्ट है वात के रोग क्या, पित्त के क्या, कफ के क्या, ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब वात के रोग है। कहा जाता है कि दाल और दही साथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत जन कहते हैं तो हम दाल चावल खा लेते हैं और उसके बाद अगर खाने के बाद छाछ पी लेंगे तो क्या वो सही रहेगा? दाल चावल के साथ छाछ, दाल चावल खा लिया मैंने खाने में, उसके बाद खाने के बाद छाछ पीना चाहिए? देखिए तो इसमें सूत्र ऐसा है, मैं आगे बताऊंगा, ये थोड़ा आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी भी है। जैन अगर आप में से कोई है तो मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। द्विदल, द्विदल समझते, एक दाल के जिसके दो, द्विदल के साथ दही का निषेध है। भागवत जी ने भी कहा है, महावीर स्वामी ने भी कहा है, गौतम ऋषि ने भी कहा, सबने कहा द्विदल के साथ दही का निषेध है। तो अब इनका प्रश्न है कि हमने तो दाल चावल खाया, चावल तो ठीक है, दाल तो द्विदल ही है, अरहर की खाएं, मूंग की खाएं, मसूर की खाएं, तो द्विदल है, तो द्विदल के साथ दही कैसा? तो उसके लिए बागवती जी कहते हैं कि कभी भी द्विदल के साथ अगर दही खाएं तो अच्छा है, ना खाएं, लेकिन खा रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखें कि दही की तासीर बदलें और उसकी तासीर को बदलकर जैसी दाल है वैसी तासीर करें, माने दही का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाएं, वैसे तो है और ज़्यादा बढ़ा। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है आपके रसोई में, रसोई में तीन चीज़ें ऐसी हैं जो दही की तासीर को तुरंत बदलती हैं, एक तो है जीरा, जीरा, दूसरा है सेंधा या काला नमक, सेंधा या काला, ये जो आज नमक आ रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आयोडीन युक्त नमक नहीं, सेंधा नमक या काला नमक, तीसरी है अजवाइन। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर आप ताक पी रहे हैं दाल चावल के साथ तो अजवाइन का, जीरे का बघार ले लें और थोड़ा सेंधा नमक डाल लें फिर पी लें। अजवाइन, जीरे का बघार लेकर, बघार लेना तो आप समझते हैं ना बघार शब्द, तो बघार ले लें अजवाइन जीरे का और थोड़ा सेंधा नमक, फिर ताक पिए माने मज्जिगे पिए माने मट्ठा पिए। अदरक, अदरक की जगह सूंठ, दही में कभी भी अदरक उपयोग नहीं होता, सूंठ उपयोग होता है। अदरक और सूंठ में थोड़ा अंतर है, सूंठ तो अदरक से ही आता है लेकिन सूंठ का गुण अदरक से ज्यादा है। फ्रूट्स खा सकते हैं भरपेट, वैसे फ्रूट्स का बागवती जी कहते हैं सुबह खाएं खाली पेट तो सबसे अच्छा, माने नाश्ता ही फ्रूट का करें, जूस भी पीना है तो फ्रूट का पिए, तो सुबह का समय फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बाकी समय में भी आप फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं जो प्रकृति के द्वारा पकाया गया, प्रकृति के द्वारा पकाया गया माने कैल्शियम कार्बाइड मिला के नहीं पकाया गया। हाँ बिल्कुल, छाछ शरीर के लिए ठंडा करता है तो बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी, दे सकते हैं बिल्कुल, अजवाइन डाल के बच्चों को, 3 महीने के बच्चे को अजवाइन की छाछ दी जा सकती है। और अजवाइन पानी, पानी जो आपने कहा थोड़ा गुनगुना पीना चाहिए, हर मौसम में पी सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी? गर्मी के मौसम में थोड़ा इसके लिए आप छूट ले सकते हैं, आप चूंकि मद्रास में रहते हैं इसलिए छूट ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में सवेरे का पानी तो गुनगुना ही रखिए, बाकी दिन का पानी अगर आप पिए तो मिट्टी के बर्तन का भी पी सकते हैं। सनबर्न, सनबर्न के लिए लार बहुत अच्छी है। देखिए आप में से किसी भी माता या बहन को डार्क सर्किल की समस्या हो, आंखों के नीचे काले काले घेरे हैं, नियमित रूप से सुबह उठकर अपने लार की मालिश करते रहिए, आपके सारे डार्क सर्किल बिल्कुल चले जाएंगे, फेयर एंड लवली से ज्यादा प्रभावी है। मटकी का जो पानी होता है गर्मियों में राजस्थान में ठंडी से ठंडी मटकी ला के हम पीते हैं, तो इतना ठंडा पानी पिए या नहीं? जो मिट्टी के घड़े का पानी है वो रूम तापमान से थोड़ा ही कम है, जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो मिट्टी के घड़े का पानी 23 डिग्री तक होगा, तो ज्यादा ठंडा नहीं है। ये जो फ्रिज का पानी है ये 4 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा, ये बहुत ठंडा है।